गुड मॉर्निंग, मैं रितेश कुमार, शहीद परमोद बी एड कॉलेज। आज आप लोग को ये बी एड इंडिकेटर कोर्स कोरियर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिसमें टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, तटस्थता वक्र विश्लेषण। उपभोक्ता के बारे में पहले आप लोग बता चुके हैं अगले क्लास में। पिछले कुछ अध्यायों में हमने मांग के उपयोगिता विश्लेषण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। उपयोगिता विश्लेषण का विकास 19वीं शताब्दी में जेवंस, वलरास तथा मेंजर जैसे सुविख्यात अर्थशास्त्रियों ने किया था। वे उपयोगिता को मूल धारणा कहकर स्वीकार करते थे। उपयोगिता को क्या कहकर स्वीकार करते थे? मूल धारणा तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को मांग के विश्लेषण का एक अंग मानते थे। आगे चलकर सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने भी अपने मांग सिद्धांत की व्याख्या उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर ही की थी। अब आगे है उपयोगिता विश्लेषण के मुख्य दोष। उपयोगिता विश्लेषण के मुख्य दोष किंतु हिक्स तथा एलन आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण निम्नांकित दोषों से परिपूर्ण है, जिसमें एक नंबर में है उपयोगिता की गणना वाचक मापनीयता अवास्तविक है, एक में है उपयोगिता की गणना वाचक मापनीयता अवास्तविक है। मांग का गणना वाचक सीमांत उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता को केवल निरपेक्ष तथा परिमाणात्मक रूप में पाया जा सकता है। अन्य शब्दों में इस विश्लेषण का यह मान्यता है कि उपयोगिता गणनावाचक रूप में मापनीय है। इसके अनुसार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से कितनी उपयोगिता प्राप्त करता है, इसे 1, 2, 3, 4 गिनती के अनुसार गणनावाचक है, तो इसे
गिनती के अनुसार 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, किंतु वास्तविक व्यवहार में उपयोगिता को इस प्रकार के परिमाणात्मक अथवा संख्यावाचक रूप में मापा नहीं जा सकता है। वास्तविक जीवन में उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं अथवा वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की केवल तुलना करने में ही समर्थ होते हैं, इसे माप नहीं सकता। वह केवल यही कह सकता है कि एक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक संयोग अन्य संयोगों की तुलना में उसे अधिक कम अथवा समान संतुष्टि प्रदान करता है। प्रोफेसर हिक्स जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता की गणनावाचक मापनीयता की मान्यता अवास्तविक है और इसलिए इसे त्याग दिया जाना चाहिए यानी कि इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ कह रहा है उपयोगिता की गणनावाचक मापनीयता अवास्तविक है, उपयोगिता को हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए इसे नहीं माना जा सकता है। दूसरा नंबर में है स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता असत्य है। स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता असत्य है। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता स्वतंत्र होती है, यानी किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी यह केवल उसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर निर्भर करता है, किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन में एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अन्य ऐसी वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता पर निर्भर करती है जो या तो उसके लिए स्थानापन अथवा उसकी पूरक हो सकती है। उदाहरणार्थ एक कलम से प्राप्त उपयोगिता स्याही की उपलब्धि पर निर्भर करता है। एक कलम की उपयोगिता किस पर निर्भर करता है? स्याही पर। अगर स्याही नहीं रहेगा तो वहां कलम की उपयोगिता जीरो हो जाएगी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो यह हो गया स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता असत्य है। तीसरा में है
तीसरा में है मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता भी तर्कसंगत नहीं है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह भी है कि जब कोई उपभोक्ता एक अथवा अधिक वस्तुओं पर विभिन्न मात्रा में व्यय करता है अथवा जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते हैं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अपरिवर्तित रहती है, किंतु वास्तविक जीवन में यह ठीक नहीं है। कोई उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को जैसे जैसे वस्तुओं पर व्यय करता है उसके पास शेष मौद्रिक आय घटती जाती है। विभिन्न वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी होने से उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय भी परिवर्तित हो जाती है। वास्तविक आय में इस परिवर्तन से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तित होगी तथा उपभोक्ता की कुल मौद्रिक आय पूर्ववत रहने पर भी विचारगत वस्तु की मांग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आगे है चार नंबर में चार नंबर में है एक वस्तु की दशा को छोड़कर मार्शल का मान प्रमेय प्रमाणित रूप में व्युत्पादित नहीं किया जा सकता। हिक्स ने मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की इस आधार पर भी आलोचना की है कि मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता का खंडन किए बगैर
एक वस्तु प्रति दर्श को छोड़कर सीमांत उपयोगिता परिकल्पना से मार्शल का मार्ग प्रमाणिक रूप में व्युत्पादित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में मार्शल का मांग प्रमेय प्रमाणिक रूप में उस स्थिति में व्युत्पादित नहीं किया जा सकता जबकि उपभोक्ता अपनी मुद्रा का एक से अधिक वस्तुओं पर व्यय करता है। इस प्रकार केवल एक वस्तु की स्थिति में ही जिस पर उपभोक्ता को अपनी मुद्रा व्यय करनी होती है मार्शल के मांग प्रमेय को प्रमाणिक रूप से व्युत्पादित किया जा सकता है। वास्तव में माप की एक अपरिवर्तनशील इकाई की मान्यता के अभाव में मापनीयता का दृढ़ कथन पूर्णतया निरर्थक होगा। कीमत में प्रत्येक परिवर्तन होने पर उपयोगिता की माप की इकाई में संशोधन की आवश्यकता तथा संभावना की मार्शल के सिद्धांत में अन्य बातें पूर्ववत रहने पर का वाक्यांश को छोड़ देने के कारण उपेक्षा की गई है। अब आगे है पांच नंबर में मार्शल की सीमांत उपयोगिता विश्लेषण कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभाजित नहीं करता। यह पांचवा पॉइंट है उपयोगिता विश्लेषण के मुख्य दोष का। मार्शल के सिद्धांत का एक प्रधान दोष यह भी है कि उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण कीमत परिवर्तन के आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव में अंतर नहीं करता। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय में
वृद्धि होती है। अतएव यदि कीमत में कमी से उपभोक्ता पहले के समान ही वस्तु की मात्रा खरीदता है तो उसके पास कुछ आय शेष रहेगी। इस आय से वह इस वस्तु तथा अन्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा खरीदने की स्थिति में होगा। यह कीमत में कमी वस्तु की मांगी गई मात्रा पर आय प्रभाव है। इसके अतिरिक्त जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो यह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती हो जाती है और परिणाम स्वरूप उपभोक्ता उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। यह वस्तु की मांगी गई मात्रा पर कीमत परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव है। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, किंतु गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कीमत परिवर्तन के आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में अंतर नहीं हो सकता है या नहीं करता है। अब है प्राथमिकता दृष्टिकोण। ये पांच दोष हो गए उपयोगिता विश्लेषण के मुख्य दोष हुए पांच। आगे है प्राथमिकता दृष्टिकोण। प्राथमिकता दृष्टिकोण इस प्रकार मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण विभिन्न प्रकार की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, अतः यह त्रुटिपूर्ण है। मार्शल के मांग सिद्धांत की इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हिक्स तथा एलन नामक अर्थशास्त्रियों ने मांग की व्याख्या के लिए तटस्थता की वक्र रेखाओं का प्रयोग किया है। इसे प्राथमिकता दृष्टिकोण भी कहते हैं। तटस्थता को ही तटस्थता को ही प्राथमिकता दृष्टिकोण कहते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता तुलनीय है, मापनीय नहीं। किनके अनुसार उपयोगिता तुलनीय है, मापनीय नहीं? हिक्स और एलन के अनुसार उपयोगिता तुलनीय है, इसे तुलना किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में यद्यपि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता मिलती है यह नहीं बतलाता, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं, वह एक वस्तु अथवा वस्तु संग्रह की उपयोगिता की तुलना दूसरी वस्तु या वस्तु संग्रह की उपयोगिता से कर सकता है। वह वस्तुओं के एक संग्रह को दूसरे के बराबर या उससे कम या अधिक उपयोगी मानता है।
किंतु वह किसी एक वस्तु या वस्तुओं के संग्रह को क्यों या कितना अधिक पसंद करता है यह नहीं कहा जा सकता। हिक्स तथा एलन आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बात को जाने बगैर भी केवल उपभोक्ता के अधिकतम क्रम के आधार पर ही तटस्थता की वक्र रेखाओं के द्वारा उपभोक्ता की मांग का संतोषजनक सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण का दृष्टिकोण संख्यात्मक या परिमाणात्मक है, जबकि तटस्थता विश्लेषण का दृष्टिकोण क्रम सूचक है। इस प्रकार के विश्लेषण के अंतर्गत यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि किसी वस्तु विशेष से उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता या संतुष्टि मिलती या प्राप्त होती है। इसमें वस्तुओं को क्रय करते समय उपभोक्ता केवल प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रखता है, यानी वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार रखता है। इस अधिमान क्रम की सहायता से उपभोक्ता उपयोगिता के संख्यात्मक माप के बगैर यह बतलाता है कि वस्तुओं का कोई एक संयोग वस्तुओं के किसी दूसरे संयोग से उसे अधिक पसंद है या कम पसंद है या बराबर पसंद है। तो अभी आप लोगों को उपयोगिता विश्लेषण के दोष के बारे में बताएं, उसके बाद प्राथमिक दृष्टिकोण, और अगले क्लास में आप लोग को तटस्थतामक विश्लेषण के विकास का संक्षिप्त इतिहास बताएंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, और जो भी क्लास अभी तक चल गया है उसमें किसी भी प्रकार के किसी को कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी आप लोग को क्लास कराया जा रहा है उसको आप लोग असाइनमेंट के रूप में कॉपी करके रखिएगा, जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसे यहाँ लाइएगा।